देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, बिंदु 22.20 और 0.16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक बिंदु सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट बिंदु आपके दे रखा है, उसको ए मान लिया हमने 22.20, और सेकंड बिंदु बी जिसको मान लिए बी मान लिया जिसके निर्देशांक है 0.16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मिड पॉइंट मध्य बिंदु बी मान लिया हमने x, y, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु मतलब रेशियो कितना अनुपात एक अनुपात एक, और मध्य बिंदु के सूत्र अलग से दिखाई देने हैं आप। तो इस कंडीशन में माना मध्य बिंदु P कितना है x, y। इस कंडीशन में इसका x1 y1 की वैल्यू, x1 कितना है 22 और y1 कितना है 20। उसके बाद में x2 और y2 की वैल्यू ये होगी, x2 0 और y2 16। x1 y1 x2 y2 की वैल्यू होगी, और हमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना सीखा मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु से आपको सीधे सूत्र बताएंगे। हालांकि हम एक बार सूत्र से कर सकते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि अनुपात मान लो ये अनुपात एक एक m1 h2 + m2 x1 / m1 + m2 में m1 और m2 का 1:1 होगा, तो आपका h2 + x1 / 1 + 1 2 अपने आप बचेगा, x1 + h2 बटा 2। उसी प्रकार से y में 1 और 1 2 होगा। अतः विभाजन सूत्र से यदि आपको मध्य बिंदु का सीधा फॉर्मूला याद नहीं हुआ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। यदि आपको मध्य बिंदु सूत्र नहीं आ रहा हो तो उसको हम आते विभाजन सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, तभी आपके मध्य बिंदु आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अनुपात और रेशियो क्या लेंगे, मध्य बिंदु है इसलिए इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर है, अर्थात 1:1 है, उससे भी हो जाएगा। परंतु आपको मध्य बिंदु सूत्र सीधा याद रखना है, x1 + x2 / 2 और y की वैल्यू कब आएगी, जब y1 + y2 / 2 करेंगे। तो देखिए x1 कितना है आपका 22 + x2 0, 22 + 0 / 2, x = 22 और 0 22 / 2, 22 में 2 का भाग 11 टाइम, और उसी प्रकार y = y1 + y2 / 2, y1 कितना है 20 + y2 16, 20 + 16 / 2, y का 20 और 16 36 / 2, 2 का भाग 36 में कितनी टाइम आएगा 18 टाइम। अतः अभीष्ट बिंदु क्या P, अभीष्ट बिंदु P कितना होगा, अभीष्ट मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट मध्य बिंदु P क्या होगा 11.18 होगा, जो किसको विभाजित करता है मध्य बिंदु पर, बिंदु A 22.20 और B 0.16। तो ये आपका मध्य बिंदु अगर निकालना हो तो उसका सीधा फॉर्मूला यही होगा, सीधा ऐसे क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिंदु 5.3 और -3.2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। थोड़ा सा समझना है आपको कि दो बिंदु दे रखे हैं आपके 5.3, ये बिंदु ले लिया हमने A 5.3, और दूसरा बिंदु है आपका -3.-2, ये -3.-2 जो भी है, इसको कौन काट रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को, x अक्ष द्वारा, x अक्ष इसको विभाजित कर रहा है कहीं पर, हमने मान लिया कि x अक्ष कहां पर विभाजित कर रहा है बिंदु P पर, x अक्ष बिंदु P पर विभाजित करता है, x अक्ष आपकी ये क्षैतिज अक्ष ही होता है, एकदम सीधा ले लो इसको क्षैतिज अक्ष। हमें पता है कि x अक्ष पर x की वैल्यू तो कुछ नहीं कुछ आएगी, परंतु x अक्ष पर हमेशा कोटि क्या होती है 0 होती है, y की वैल्यू क्या होती है सदैव 0 होती है। तो इसके लिए आपको ये रेशियो बताने हैं m1 और m2 की वैल्यू क्या है, ये बताना है।
आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है एक्स अक्ष को ये जो रेखाखंड है उसको कौन विभाजित कर रहा है, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष विभाजित करता है तो निश्चित ही वो विभाजन बिंदु के लिए कोटि क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू सदैव कितनी होती है, जीरो। तो हम लिख देंगे यही बात, माना सोल्व करेंगे तो लिख देंगे माना बिंदु, माना वह बिंदु, माना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या लेंगे हम, पी मान लेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी है जो क्या है, एक्स कोमा जीरो। हमने ये लिख दिया एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर का मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू तो आएगी कुछ नहीं कुछ, एक्स अक्ष पर माइनस में प्लस में जीरो कुछ भी आ सकती है। और वाई की वैल्यू, एक्स अक्ष पर हमें हमें पता है कि वाई सदैव क्या होता है, जीरो। कोटि सदैव क्या होती है, जीरो। तो माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु पी एक्स कोमा जीरो है जो आपके बिंदु, इसलिए को ए मान लो, 5.3 वह बी -3.-2 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2, ये रेशियो निकाल रहे हैं उसको भी हमने मान लिया M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। अभी ये आपके अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन करता है, कत्ते विभाजन करता है उसका भी पता आपको लास्ट में चल जाएगा, अभी बताता हूं आपको। तो हमने मान लिया कि एक्स अक्ष वाला बिंदु है वो विभाजित कर रहा है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है तो एक्स अक्ष पर बिंदु विभाजित करेगा तो एक्स की वैल्यू तो मिलेगी आपको। मैंने आपको बेसिक में बताया था फर्स्ट वीडियो में, इसके एक्स अक्ष पर हमेशा एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, जिसको हमने एक्स ही मान के दी एक बार, क्योंकि माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और वाई की वैल्यू, एक्स अक्ष पर सदैव कोटि जीरो होती है, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एक्स अक्ष पर बिंदु विभाजित करेगा तो बिंदु पी के निर्देशांक आ जाएंगे एक्स कोमा जीरो, जो बिंदु ए और बी दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो हमें अब देखो फिलहाल इसमें ये आपके x1 y1 x2 y2 रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक सदैव यही होते हैं। x1 की वैल्यू आ गई 5, y1 की वैल्यू आ गई 3, x2 की वैल्यू आ गई -3 और y2 की वैल्यू आ गई -2। और विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा x और y, x की वैल्यू x है और y की कितनी है यहां पर, 0। अब देखिए अब हम अंतर विभाजन सूत्र लगाएंगे, चाहे हमें पहले अंतर विभाजन सूत्र ही लगाना है, हालांकि हम यहां बाह्य विभाजन से करेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, परंतु हम करते हैं अंतर विभाजन सूत्र से। इस इक्वेशन को आप अंतर विभाजन सूत्र से ही कर दो, विभाजन अंतर होगा बाह्य होगा उसका पता आपको बाद में चलेगा। देखिए अभी हम बताएंगे, अब आपको अंतर विभाजन सूत्र से एक्स का सूत्र लिखना है वाई का, वो डिसाइड करना है। तो आपको जिसकी वैल्यू आई है, एक्स अक्ष विभाजित कर रहा है तो किसकी वैल्यू है, वाई की, जीरो दे रखी है, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो वाई वाला फॉर्मूला लगाना है, एक्स वाला नहीं लगाना है। तो हम लिखेंगे वाई इक्वल टू क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र से वाई इक्वल टू M1 y2 + M2 y1, अंतर विभाजन प्लस ही आएगा, अपॉन M1 + M2। ये है y की वैल्यू कितनी है, 0 = m1 हमें रेशियो निकालना है, y2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है आपका निकालना है, y1 कितना है 3 अपॉन m1 + m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इससे गुणा इसका इससे, इसका इससे करेंगे तो आपका -2 m1 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 m1 प्लस m2 का 3 से करेंगे तो 3 m2 और 0 का ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए m1 वाला आपके माइनस का है हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 3 m2 बराबर 2 m1, माइनस का 2 m1 है प्लस का हो गया। अब देखिए यहां से आपके 3 ये 2 गुणा में ही रहेगा तो भाग में m1 m2 आपके मल्टीप्लाई में इधर हो गया डिवाइड में, अतः अभिष्ट अनुपात m1 अनुपात m2 कितना आ गया 3:2, अतः अभिष्ट अनुपात 3:2।
दो होगा, ये हमारा देखिए। आपको ध्यान किस बात का करना है, यदि दो बिंदु दे रखे हैं वो x1 y1 x2 y2 की वैल्यू होगी, दोनों रेखाखंड के दोनों सीमों के निर्देशांक चले हुए x1 y1 और x1 x2 y2 ही हम मानेंगे, और जो विभाजन बिंदु है इसकी वैल्यू को हम x और y कहते हैं, और विभाजन बिंदु कौन सा है, x अक्ष पर है, x अक्ष पर है तो x की वैल्यू x आपकी x होगी और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x अक्ष पर कोटि क्या होती है 0, और आपको सूत्र अतः विभाजन सूत्र ही लगाना है, अतः विभाजन सूत्र भी कर सकते हो आप, तो अतः विभाजन सूत्र से सूत्र वही लगाना है जिसकी वैल्यू दे रखी है x और y में से, y की दे रखी है 0 तो y वाला लगाते हैं, यदि x और y दोनों की होती तो हम कोई सा भी एक सूत्र लगा सकते थे x या y का, अनुपात ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, चाहे x का लगा दो चाहे y वाला लगा दो, और यदि केवल x की होती तो हम x का लगाते। अब इसमें अतः विभाजन सूत्र से इसको सॉल्व किया, y की वैल्यू 0 लिख दी, m1 y2 लिख दिया हमने -2 + m2, और y1 लिख दिया हमने 3/m1 + m2 0 के अपॉन में 1 लिख दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया अर्थात हमने वजन गुणा कर दिया, -2m1 का 1 से गुणा करेंगे -2m1 + 3m2 का हम 1 से गुणा करेंगे 3m2 और 0 का इससे करेंगे क्या हो गया 0, 0 की सब्स्टिट्यूशन कैसे गुणा करते हैं क्या होता है 0, तो देखिए हमने 3m2 प्लस का इधर ये माइनस का 2m1 है उधर भेज दिया, इसका हो गया प्लस का, तो देखिए 3 और ये 2 गुणा में रहेगा तो भाग में, और इधर m1 इधर ही है और m2 गुणा में है तो भाग में रहता है, m1 अनुपात m2 मतलब रेशियो कितना आ गया 3:2, यदि ये अनुपात यहां पर माइनस का भी तो आ सकता था -3:2 आता, तो अनुपात कभी माइनस से किसी हम पार्ट करें किसी रेखाखंड को बांटे तो रेखाखंड को माइनस में मान सकते हैं क्या, माइनस में नहीं हो सकता, उस कंडीशन में यहां पर क्या होता, यदि माइनस का आता तो हमारे ये विभाजन अतः विभाजन नहीं होगा, कौन सा होता y विभाजन, परंतु इसका पता यहां पे नहीं चलता है, इस क्वेश्चन में कि अतः विभाजन है कि y विभाजन इसको सॉल्व करने के बाद नहीं चलता है, यदि यहां पर माइनस आता तो हम लिख देते हैं अतः अपेक्षित अनुपात 3:2 और ब्रैकेट में लिख देते हम y विभाजन से होगा, और अतः विभाजन का सूत्र लगाया और प्रश्न आ गया तो इसका मतलब यहां अतः विभाजन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमने अतः विभाजन का सूत्र लगाया प्रश्न आया तो अतः विभाजन ही है, और यदि हम इसी क्वेश्चन में यहां पे y विभाजन लगाते तो देखिएगा आपके आपके क्या आता, y की वैल्यू तो 0, m1 कितना आता m1 और y2 कितना आता आपका माइनस भी आता, केवल के यहां यह क्या आता माइनस 3 m2 3, देखिए एक बार अपन आपको मैं निश्चिंत करने के लिए लिख रहा हूं, माइनस आएगा y विभाजन में यही आएगा प्लस किसी के माइनस आता, यदि y विभाजन हम यहां पे y विभाजन का सूत्र लिखते तो देखिए यहां पे अपन मन वजन गुणा कर दो -2m1 का x से गुणा माइनस का 2m1 और -3 और m2 का x से गुणा -3m2 और इसका ये 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके -2m1 और ये माइनस प्लस -3m2 हो जाएगा तो +3m2, तो देखिए m1 अपॉन ये m2 गुणा में भाग में हो जाता और ये 3 ये माइनस का 2 गुणा में इधर आता भाग में, अर्थात रेशियो किस में आ गया माइनस में, बाहर विभाजन लगाने पर माइनस में आया अर्थात इसमें कौन सा विभाजन है अतः विभाजन, तो आपको यहां अतः विभाजन सूत्र लगाना है और माइनस में आ जाए तो ब्रैकेट में लिख देंगे y विभाजन, या y विभाजन का सूत्र लगा दिया और माइनस में आ गया तो अतः विभाजन हो गया, और या अतः विभाजन का लगाया प्लस में आया तो वहां अतः विभाजन ही है, और या हमने y विभाजन का लगाया प्लस में आया तो भी वहां पे y विभाजन ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो आपको लगभग आपको एक ही दिमाग में रखो कि हमें केवल अतः विभाजन का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर प्लस में आएगा तो उस क्वेश्चन में अतः विभाजन ही होगा, और प्लस में नहीं आकर आपके रेशियो माइनस में आ जाएगा तो वहां पर विभाजन कौन सा होगा बाह्य विभाजन जो ब्रैकेट में हम लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम वही क्वेश्चन है, बिंदु अगली बार -2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला है y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, तो मैंने ये लाइन वही रखी क्योंकि हमें वही लिखना है, अगली बार उसमें y अक्ष विभाजित कर रहा था उसमें x अक्ष विभाजित कर रहा था, इसमें कौन सा अक्ष विभाजित कर रहा है y अक्ष, तो हम लिख देंगे माना y अक्ष पर वह बिंदु, और हमें पता है y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है और y अक्ष है उसका बिंदु है जो किसी रेखाखंड को जैसे इसका सीधा a कितना देर का है आपका 2, -3 और दूसरा सीधा है आपका 5, 6 जो भी है ये आपका, हालांकि 2, -3 आपके इस चतुर्थांश में नहीं होगा आपके कौन से में होगा पहला प्लस का दूसरा माइनस का आपके इसमें होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, परंतु आपको एक बार ऐसे देखना यदि y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो y एक्स पर किसकी वैल्यू x की वैल्यू तो 0 होती है हमेशा ही y एक्स पर कुछ 0 होता है और कोटि कुछ नहीं कुछ आएगी तो हमने 0, y क्या मान लिया
जीरो कॉमा वाई, तो वाई एक्स पर वह बिंदु वाई एक्स पर है इसलिए एक्स का मान जीरो, y x पर भुज जीरो होता है और OT कुछ नहीं कुछ आएगी, हमने y की थी। जो बिंदु A क्या है 2, -3 और बिंदु B क्या है 5, 6, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2, वही रेशियो की बार पूछा है तो हमने M1 अनुपात M2 ही किया। इस कंडीशन में आपके X1 और Y1 की वैल्यू वही आ रही है 2 और Y1 की -3 और X2 की 5, Y2 की 6 और आपके M1 M2 निकाल रही है और X की वैल्यू की बात जो विभाजन कर रहा है बिंदु X और Y की वैल्यू होती है और Y की Y है, तो वही अंतर विभाजन सूत्र लगा दो, अंतर विभाजन से नहीं कर सकते हो परंतु आप अंतर विभाजन का सूत्र ही आपको यूज करना है, अंतर विभाजन सूत्र किसका लगाएंगे, X की वैल्यू देती है या Y की, X की देती है तो हम X थोड़ा लगाएंगे, X = M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2, X का मामला 0, M1 कितना है निकालना है, X2 कितना है 5 प्लस M2 इंटू X1 कितना है 2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लिख दिया हमने 0 इक्वल टू 5 और M1 का मल्टीप्लाई 5M1 प्लस 2M2 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इसके अपॉन मान लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्रगुणा कर दो, लिख दो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन से तिरछा गुणा करने पर वज्र गुणन से क्या हो जाएगा 5m1 प्लस 2m2 का x करेंगे तो 5m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का 0 से करेंगे 0, तो यहां से 5m1 आ गया और प्लस का 2m2 इधर आएगा तो माइनस का 2m2, तो m1 ये m2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में और ये माइनस का 2 और ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो m1 अनुपात m2 रेशियो किस में आ गया माइनस में आ गया, इसका मतलब यहां परिभाषा कौन सा नहीं है अतः विभाजन नहीं है, परंतु यहां अब हम वापस इसको मिटा के बाय विभाजन का सूत्र लिख के दोहराई करेंगे, एक बार कर दिया हमने तो हमने माइनस का कर दिया तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट अनुपात कितना आया 2:5 अनुपात तो प्लस नहीं देता है 2:5 होगा कौन सा विभाजन पर बाह्य विभाजन पर, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम अंतर विभाजन नहीं होगा क्या होगा बाह्य विभाजन, अभिष्ट अनुपात 2:5 होगा और ब्रैकेट में लिख दिया हमने बाह्य विभाजन, तो ये आपका रेशियो वाले क्वेश्चन है, तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए, अच्छे तरीके से इनको वापस आपको मिलाना है ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, देखिए धन्यवाद।